सो गाइस धीरज हियर बैक विद अदर वीडियो. सो आई नो कि काफ़ी टाइम हो गया वीडियो डाले हुए, क्योंकि कुछ नई सीरीज़ की ट्राई कर रहे थे. और आज आए हम एप्रिलिया के शोरूम में, जो कि है यहाँ पे गुटकर मंडी में. तो आज हम टेस्ट राइड करने वाले इनका रेसिंग स्कूटर, जो कि एप्रिलिया का है, जो बैक इन 2016 में लॉन्च हुआ था. तो अभी देखते हैं, इनके दो मॉडल है, एक 125 सीसी में और एक 150 सीसी में. तो चलिए देखते हैं कैसे स्कूटर है और बताते हैं आपको. ओहो ना, एक रीति रिवाज होते हैं कुछ, उनको पूरे कर लेते हैं. अब ये चाबी कंप्लीट लग रही है, तो इसके बिना तो हम बाइक या गाड़ी कुछ भी नहीं चलाते हैं. सो बैक इन 2016 पियागियो लॉन्च्ड एप्रिलिया SR150 इन इंडिया. सो 2016 में ये ओनली 150 सीसी में आता था, और अभी कुछ ही मंथ्स पहले एप्रिलिया ने इसको 125 सीसी में भी लॉन्च कर दिया. तो इनके बीच में डिफरेंस देखने में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. देखने में डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें जो स्टिकर जॉब है, ये इसमें पूरे एप्रिलिया के जो इटली वाले कलर हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं. ये बेसिकली टॉप मॉडल है, और इसमें आपको स्पोर्ट्स ग्राफिक मिलेंगे, और इसमें आपको ABS भी मिलेगा सिंगल चैनल. और इसके ये जो रिम है ये रेड कलर में है, और जैसे कि ये हमारे पास टॉप मॉडल है. और इसकी सीट की बात करें तो सीट इसकी ड्यूल टोन में आती है, रेड और ब्लैक में, जो कि काफ़ी स्पोर्ट्सी लुक देती है. और अब आ जाते हैं इस साइड पे, हम देखेंगे इसके साइड पैनल को, और इसके फुटरेस्ट देखिए कितने स्नग फिट होते हैं. लाइक पता नहीं लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई फुटरेस्ट भी है या नहीं. तो ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से फिनिश किए गए हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर मोनोशॉक, जो कि रेड कलर में है, काफ़ी अच्छा लगता है. और पीछे आ जाते हैं आपके ड्रम ब्रेक्स. अब बात करते हैं दोनों के इंजन के बारे में. इसमें है 154 सीसी का इंजन, और इसमें है 124 सीसी का इंजन. एप्रिलिया SR125 प्रोड्यूस 9.2 BHP ऑफ पावर, एंड इस टॉर्क इज़ अराउंड 8.2 न्यूटन मीटर, जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल स्कूटीज़ के आसपास ही है. और एप्रिलिया SR150 प्रोड्यूस करती है आपके पास 10.2 BHP ऑफ पावर, एंड इट पम्प्स आउट 11.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. सो इसके जो डिफरेंस है, जो कि आपको 2 या 3 न्यूटन मीटर का लग रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. और अब बात करते हैं इसकी सीट के बारे में. सीट इसकी ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो SR125 की सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है. 150 की सीट थोड़ी सी छोटी है, बट इसमें अच्छा ऑप्शन ये है कि आपको ये ड्यूल टोन में मिलेगा. जो SR125 की ग्रैब रेल है वो आपको इस डिज़ाइन में मिलेगी, जो कि थोड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है, और ये थोड़ा प्लास्टिक सा मटीरियल है, टोटल प्लास्टिक नहीं है बट प्लास्टिक वाला ही मटेरियल है. एंड SR150 में जो आपको ग्रैब रेल मिलेंगे वो आपको थोड़े फंकी डिज़ाइन में मिलेंगे, बट मटेरियल यहाँ पे भी प्लास्टिक ही यूज़ किया गया है. और अब बात करते हैं यहाँ पे जो इसके पोस्चर की बात रही, तो पहले तो ये रहा, मेरी हाइट है अराउंड 5 feet 8 inches के आसपास, या 5 feet 9 inches इनके बीच में है. तो मेरे लेग्स ऐसे रहते हैं जैसे कि, और लेग स्पेस इतना बच रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से कर्व प्रोवाइड किया गया है, जिससे आपके पास काफ़ी लेग स्पेस बच जाता है. एंड यहाँ पे कोई स्टोरेज स्पेस नहीं दिया गया है, जहाँ पे आप अपना वॉलेट रख सकें या फ़ोन रख सकें. यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल हुक दिया गया है, जहाँ पे आप कोई भी थैली या हेलमेट लटका सकते हो. अब यहाँ पे डिजिटल मीटर आ जाता है, जो इसका पुराने वाला मॉडल था उसमें डिजिटल मीटर नहीं आता था. ये जो एक मॉडर्न टच दिया गया है, ये अच्छा अपग्रेड है. एंड SR125 में पुराने वाला ही मीटर है, जो काइंड ऑफ थोड़ा आउटडेटेड और बोरिंग सा है. और अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में. तो बूट स्पेस यहाँ पे एक नॉर्मल सा हेलमेट फिट हो जाएगा, जैसे कि अपने पास जो बड़े हेलमेट्स होते हैं LS2 MT, वो मेरे ख्याल से इसमें फ़िट नहीं होंगे. और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग
का सॉकेट भी मिलता है, आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो SR150 में। SR125 में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, एंड अभी SR125 में ABS नहीं है। आई थिंक ABS में अभी वो लॉन्च कर रहे हैं। एंड अब बात करते हैं दोनों की फ्रंट की, और फ्रंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट है, यहाँ पे सिंगल यूनिट है, और यहाँ पे साथ में आपको दो पार्किंग बल्ब मिल जाते हैं, और बीच में जो मेन जो इसका हेलोजन बल्ब है वो मिल जाता है। बट इसमें आपको लोअर और डीपर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे कोई पार्किंग लाइट्स नहीं है, इंडिकेटर दोनों में सेम जगह पे दिए गए हैं, और स्टिकरिंग जॉब देखो इस वाली पे कितने अच्छे तरीके से हुई है, और इस वाले पे नॉर्मल है थोड़ा सा। एंड बात रही आपकी इसकी रोड प्रेजेंस की, दोनों स्कूटी आई थिंक है टर्नर है, बट जो SR150 है जो कि टॉप मॉडल में आती है वो स्पेशली बहुत अच्छी लगती है, और इसकी रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है। SR125 एंड SR150 की कीज सेम है दोनों, एंड बहुत सारे लोग कीज नहीं दिखाते हैं, कीज बहुत ज़्यादा मैटर करती है मेरे लिए खासकर। एंड अब बात करते हैं हम कि ये वाली स्कूटीज़ और स्कूटीज से अलग कैसे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों स्कूटीज़ में टायर यूज़ हो रहा है 14 इंच का, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जो नॉर्मल स्कूटीज़ रहती है हमारे पास उनमें यूज़ होता है 12 इंच का टायर यूज़ होता है, या 10 इंच का टायर यूज़ होता है। सो उन स्कूटीज़ पे आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है राइड करती बार, जैसे आपने अगर ऑफ रोड लेके जाना हो या कहीं पे भी राइड करना हो तो आपको उन पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। बट ये जो 14 इंच का टायर है ये आपको ओनली इसी स्कूटी में मिलेगा। एक्टिवा में आई थिंक यूज़ होता है 12 इंच का टायर यूज़ होता है, और इसमें अगर 14 इंच का यूज़ हो रहा है तो KTM में यूज़ होता है, KTM ड्यूक के RC में यूज़ होता है 17 इंच का टायर। तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है, आपका जो राइडिंग क्वालिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जो आपको कॉन्फिडेंस होता है ब्रेकिंग के टाइम पे या राइडिंग के टाइम पे या कर्व के टाइम पे या ऑफ रोड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। और जो इसकी विड्थ है वो है 120mm की, जो दोनों टायर है 120mm के है, और इसमें दोनों में MRF जैपर के टायर है। और यहाँ पे आपको छोटी सी डिटेल, और जो इसका ये फ्रंट ब्रेक यूनिट है इसको गोल्डन कलर में दिया गया है, जो कि एक छोटा सा टच है बट अच्छा लग रहा है, कूल लगता है। और SR150 में आपको स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइंस भी मिलेंगी, जो कि SR125 में आपको नहीं मिलेगी। और SR150 का सस्पेंशन इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट भी है। SR150 एंड SR125 may not be the most practical scooty in the market right now, because they are not the most comfortable scooty in the market, and इनके पास इतना storage space भी नहीं है, but they are definitely a head turner। इसका जो 14 इंच का टायर है ये आपको सिमिलर टू बाइक वाला एक्सपीरियंस ही देता है, ये आपको स्कूटी वाला एक्सपीरियंस नहीं देगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, 125 एंड 150 में कौन सी ली जाए। 125 इज़ बेसिकली फॉर लाइक प्लेन एरिया लाइक चंडीगढ़, जहाँ पे आपको पहाड़ नहीं मिलते हैं, लाइक प्लेन एरिया आपके पास, सो वहाँ पे 125 ठीक है। बट जैसे कि हम हिमाचल में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, सो SR150 इज़ माई चॉइस फॉर माउंटेन रोड्स लाइक मंडी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट लाइक बटन इफ यू एंजॉय द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर ओपिनियन, एंड या थैंक्स टू माँ लक्ष्मी मोटर फॉर प्रोवाइडिंग दिस ब्यूटिफुल मशीन्स। बाय, पीस।